आपको भी अगर हेल्दी खाना है और कम सामान में बनने वाला कुछ चाहिए सुबह की जल्दबाजी में, तो आप इस तरह से सिर्फ 1.5 कटोरी आटे और 2 आलू से इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना बहुत आसान है, झटपट बन भी जाता है और बच्चे इसको खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। आप चाहे तो बच्चों के लंच में दें, या सुबह की ब्रेकफास्ट में दें, या शाम की चाय के साथ। ये बहुत ही क्रिस्पी होता है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए कितने आसानी से टूट रहा है और अंदर तक अच्छे से पका है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई रखी है गैस पर, और इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया, तो 1 टीस्पून हम डालेंगे सरसों के दाने, और 1 टीस्पून ही हम डालेंगे जीरा। इनको पहले तड़कने देंगे। यहाँ हमारा जीरा भुन गया है, सरसों के दाने तड़क गए, तो डाल देंगे 2 टीस्पून। ये हमारे पास तेल है, अगर आपके पास हो तो इसमें ज़रूर डालें। तो तेल को भी थोड़ा चटकने देंगे। अब हमारे तिल भी चटक गए हैं, तो अब डाल देंगे इसमें हम 1.5 कटोरी पानी। आज हम 1.5 कटोरी आटे से नाश्ता बना रहे हैं, तो यहाँ मैंने 1.5 कटोरी पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे तीखे के लिए चिली फ्लेक्स, तो यहाँ मैं 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो हरी मिर्ची या लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें गर्म मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच डाल रही हूँ काली मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं अमचूर पाउडर, अब डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ मैं 1 चम्मच, यहाँ मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। और पानी को हम गर्म होने देंगे और इसमें डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब पानी में हम उबाल आने देंगे। यहाँ पानी में उबाल आ गया, तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे। अब हम डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे अपने गेहूं के आटे को और इसको मिलाते जाएंगे। धीमी गैस पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको दबा दबा कर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। अब सारे आटे को एक थाली में निकाल लेते हैं हम। और थोड़ा सा इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इसमें 2 आलू डाल देंगे जो उबले हुए हैं, मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। ये बड़े साइज के आलू थे 2। अब इसको भी मिक्स कर देंगे। इसे हमें गरम गरम में मिक्स करना है आलू को। ये हल्का सा ठंडा हो गया है, तो हम हाथों की सहायता से कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसका एक डो बना लेंगे हम। यहाँ मैंने ये देखिए कितने अच्छे से डो बना लिया है। अब हम इसका नाश्ता बना लेते हैं। तो जितना बड़ा चाहे छोटा चाहे, उस हिसाब से आप इसकी एक लोई तोड़ ले, और जैसा चाहे आप वैसा इसका शेप बना सकते हैं। आपको गोल बनाना हो या चौकोर, जैसा भी आपके बच्चों को पसंद आए, आपकी फैमिली वालों को, और जो आपको आसान लगता हो, तो वैसा नाश्ता बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ इसको। ये हमारा एक नाश्ता बन गया है, तो इसको हम प्लेट में रखते जाएंगे और फिर से एक छोटी सी लोई तोड़ेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। ये आटा है, इसका पकना ज़रूरी है, तो इससे ज़्यादा मोटा नहीं पतला नहीं, मीडियम साइज़ का बनाएंगे हम इसको। इसी तरह से सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। गैस पर हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल हमारा गर्म हो गया, तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। यहाँ हमने कुछ नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया, बाकी का हम बनाते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे।
तो यहाँ तेल गर्म हो गया तो हम अपने नाश्ते को डाल देते हैं। हमें अपने नाश्ते को मीडियम आंच पर फ्राई करना है जिससे कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सके। जितना एक बारी में आ जाएगा उतना हम नाश्ता इसमें डाल देंगे। अब मीडियम आंच पर इनको सिकने देते हैं। अब हम अपने नाश्ते को पलट लेते हैं। अब दूसरी तरफ से भी हम सिकने देते हैं इसको अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया दूसरी तरफ से। फिर से हम एक बार ही पलट देते हैं और इसी तरह से उलटते पलटते हुए अपने नाश्ते को बना लेंगे। बस गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है क्योंकि ये गेहूं का आटा है, इसको अच्छे तरह पकना जरूरी होता है। ये थोड़ा टाइम लेता है गेहूं का आटा पकने में। बस इसी तरह से हम अपने नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फूल के किस कितने बड़े बड़े हो गए। ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया, तब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी बने हैं हमारा नाश्ता। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है। यहाँ मैंने कुछ टिक्कियों की शेप भी दिए तो उनको भी डालकर फ्राई कर लेते हैं। अब इनको भी हम उलटते पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। अब हम अपने नाश्ते को पलट लेंगे। और फिर से हम इनको सिकने देते हैं। ये नाश्ता भी हमारा देखिए बनकर तैयार हो गया। तो अब हम इनको भी देखो दोनों तरफ से सिक गए अच्छे से, तब निकाल लेंगे हम इनको। ये देखिए हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया, बाकी का भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए डेढ़ कटोरी आटे में कितना सारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनकर तैयार हो गया। आप इसे चाय के समय खाएं, बच्चों को लंच में दें या सुबह के ब्रेकफास्ट में। ये नाश्ता हेल्दी भी है।